ओए सूरज, आज रिजल्ट आया है तेरा? क्या आया? मेरे तो आया 78%। तेरा बता, तेरा कितना आया है? हाँ भाई देखा मैंने, मेरे 87 आए हैं यार। और बता तू कौन सी स्ट्रीम लेगा? मेरा तो सॉर्टेड है, मैं तो बस कॉमर्स ही लूंगा। बाद में पापा के बाद तो मुझे ही पापा की दुकान संभालनी होगी। और बता तू क्या ले रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं पता यार, अभी घर में जाके पहले पूछना पड़ेगा क्या लू क्या ना लू। तुझे पता है ना इंडियन पेरेंट्स कैसे होते हैं। दीदी मैं सोच रहा था कि मैं आर्ट्स लेकिन ही साइकोलॉजिस्ट नहीं तो जर्नलिस्ट बन जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है यार मैं अपने दोस्त लोग का रिलेशनशिप प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर देता हूँ। और बात रही बात करने की, तो आपको पता है मैं किसी से डरता नहीं है, तो मेरा आराम का काम होगा जर्नलिस्ट नहीं तो साइकोलॉजिस्ट बनने का। सही बोला ना मेरी दीदी? हाँ हाँ हर बार यू कैन डू बेटर, लाइफ इज टू बिग यार, गिव योरसेल्फ फर्स्ट प्रायोरिटी यार, ये बोल के यूनिक डायलॉग मारेगा ना तू तो बस। और बात रही जर्नलिस्ट की, रिलेटिव के आगे तो तुझसे बोला नहीं जाता, और बना जर्नलिस्ट बनने के लिए हुआ। वैसे पापा मेरे लिए नहीं कॉमर्स ही बेस्ट रहेगा, वैसे भी राशन का और भार का कैलकुलेशन तो मैं ही करता हूँ, हिसाब हिसाब तो मेरे से ही होता है, तो मुझे लगता है मैं कॉमर्स ले लेता बेस्ट रहेगा। बेटा उसके लिए भी तू फोन इस्तेमाल करता है और उसमें भी बहुत टाइम लगा देता है, और तू कॉमर्स कैसे लेगा बेटा? और बता तू। बेटा आर्ट्स और कॉमर्स को छोड़ के कोई सा भी स्ट्रीम लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। देख बेटा अगर तू साइंस लेगा तो तू डायरेक्ट ऑफिसर बनेगा, मैं लिख के देता हूँ, और फिर तेरे नाम के आगे लग जाएगा लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट सूरज। बेटा साइंस ले लो, उसके बाद तुम्हें कोई सा भी सब्जेक्ट लेना है तुम ले लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बेटा मैथ्स तो लेना ही पड़ेगा, मैथ्स तो बहुत कंपलसरी है, वरना तू इंजीनियर और ऑफिसर कैसे बन पाएगा। बेटा तुम बायोलॉजी ले लो, उसके बाद कुछ साल बाद तो तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर या डीआर लग जाएगा, फिर मजे ही मजे होंगे तुम्हारे। मम्मी वो मैं किसी भी सब्जेक्ट में अगर पीएचडी करूँ ना तो मेरा डीआर आगे लग जाता है नाम के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मेरी बात मान, तू मैथ्स भी ले ले और बायो भी ले ले, ना मम्मी को टेंशन रहेगी ना पापा को टेंशन रहेगी, और 12th के बाद तुझे जो करना है तू वही कर लेना, किसी को टेंशन नहीं रहेगी। अच्छा लगेगा ना मेरा आइडिया तो बताना। तो ये वीडियो था यहीं तक, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर आपका 10th का रिजल्ट आ ही गया होगा या आने वाला होगा तो आप बताइएगा कि आपने कौन सा स्ट्रीम चुना। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। बाय।